रामभूमि हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमा अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रही और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरु मां ने जीवन की अंतिम बेला में आधी व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरु मां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेन्द्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज की शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आरिका रत्न गुरु माँ विद्याश्री माता जी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विद्याश्री माता जी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारिणी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी और सौरभ भैया जी के मंगल उपस्थिति में बेहद ही भक्ति उत्साह संग सा आनंद संपन्न किया जा रहा है। इस महामंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। प्रतिदिन की भांति प्रातः काल कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का विविध भांति मंगल अभिषेक किया गया। सब मिलके कलशा धरो कि आज प्रभु नमन करेंगे, अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राम द्राम द्रव द्रव पम 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 हम सम सम धीम धीम द्राम द्राम। तदुपरांत श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने जल की धारा प्रवाहित करते हुए भगवान की पावन शांति धारा संपन्न की। तत्पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी की मंगल भजनों की प्रस्तुति करते हुए विधान पूजन के मांगलिक क्रियाओं का शुभारंभ किया, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने प्रभु को अर्घ द्रव्य समर्पित किए और अपने अशुभ कार्मों का क्षय किया। जय माला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। विधान के दौरान समस्त आरिका संघ की उपस्थिति ने भक्तों का उत्साह वर्धन किया। भक्ति सहित गुरु मागरणी आरिका विद्या श्री माता जी का ओम नीम श्री रोग सुगनानी श्री बास पूजनेन्द्र। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगल नाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। सब दिन आया रे।
भैया जब घर के आदमी याद करते तो हाथ खुजलाने लगती है। जिनके तीनों लोग आंवले की समान झलक रहे हों, पर्याय भाव सब उनके आंखों में झलक रहा है, तो क्या अपन नहीं झलक रहे होंगे? जीवन का ज्ञान कराती है। बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंत्रों एवं पूजन की पंक्तियों का मधुर उच्चारण कर सभी क्रियाएं सानंद संपन्न कराई। ओम नमो लोय शवशाउडम मंत्रादिरात जगतगुरु महामंत्रणोकार के चरणों में। संध्याकालीन बेला में मधुर संगीत भजनों पर प्रभु की महाआरती का आयोजन किया गया। तीतराज समय से कर नमो नमः, तीतराज को नमस्कार। दीप जला के आरती कर ले, कर ले जय जयकार। जगमग जगमग दीप जलाओ, माने तुम जस ज्ञान की। आरती कर लो आदिनाथ भगवान की। अजप्राती अर शोमत प्रभु के धर्म चक्रति मान की। आरती कर लो आदिनाथ भगवान। प्रभु की आरती के मध्य श्रद्धालु भक्तों ने अत्यंत भक्ति उत्साह में लीन होकर भक्ति नृत्य करते हुए प्रभु भक्ति की, साथ ही भगवान की मंगल आरती संपन्न की। अरे पांडवान हस्ता कर लो आदिनाथ भगवान की। तत्पश्चात पूज्य आरिका रत्न श्री विद्याश्री माताजी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। तुमने क्या त्याग किया उसका जो तुम्हारा महमत है, कि माताजी हमने ये त्याग किया, हमने वो त्याग किया, हमने वो त्याग किया। तो कहते हैं ना किंचना अकिंचन तस् भावा अकिंचना। जो कहते हैं किंचित मात्र भी तुमने जो किया है वह परमाणु मात्र भी तुम्हारा नहीं है। एक परमाणु मात्र भी तुम्हारा नहीं है। तुम एक परमाणु भी लेकर नहीं जा सकते हो। तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम एक परमाणु लेकर चले जाओ। तो कहते हैं एक गुरु ने शिष्य से प्रश्न पूछ शिष्य ने गुरु से प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव, तुमने एक वर्ष तपस्या करते करते साधना करते करते हमारा बीत गया है, और तुमने कहा था कि मैं आत्मा का साक्षात्कार कराऊंगा और भगवान का साक्षात्कार कराऊंगा, लेकिन हमारा तो एक वर्ष बीत गया, मुझे तो आभास भी नहीं हुआ। और तुम्हारे चरणों में रहकर मेरी सिद्धि ना हो ये तो अच्छी बात नहीं है। अब गुरु बात उसकी सुनकर मुस्कुराए, बोले कि ठीक है, तुम इशारे से कहा कि तुम आज हम तुम्हें तुम्हारी आत्मा का साक्षात्कार कराएंगे और तुम्हें बताएंगे कि क्या अकिंचन है। तो उसने कहा ठीक है बताना। तो उन्होंने एक इशारा करके बताया, ये पहाड़ी पर तुम ऊपर मलना, और बहुत सारे पत्थर उसको दे दिए कि ये लेकर तुम्हें पहाड़ी चलना है, और वहाँ पर पहाड़ी में ये लेकर तुम्हें जाना है। अब वो सोचता है कि पत्थर इतने भारी हैं, हम कैसे लेकर जाएंगे इसे, और यदि हमने लेकर गए और यदि उसमें थोड़ी सी चूक हो गई या थोड़ा सा नहीं जा पाए, तो फिर आज भी मौका चूक जाएंगे कि आज भी नहीं बता पाएंगे वे। तो ऐसा करें कि ये पहाड़ पर चढ़ना तो मुश्किल है पत्थरों को ले जाकर,
तो ऐसा करें धीरे धीरे इनको फेंकते चले जाएं। अब वो धीरे धीरे जैसे ही पहाड़ चढ़ता जाता है और एक एक करके फेंकता जाता है। अब जैसे जैसे वो फेंकता गया वैसे वैसे वो हल्का होता गया, और जैसे ही वो हल्का हुआ तो फुर्ती से वो ऊपर चढ़ गया। अब उसके गुरुजी उसका इंतजार कर रहे थे कि जे आया कि नहीं आया, कब तक आ रहा है। तो उसने उन्होंने देखा, कह रही ये तो खाली आया है। बोले तुमसे कहा था कि पत्थर लेकर ले आना, वो तुमने पत्थर कहाँ फेंक दिए। तो बोले हमने महाराज ये पत्थरों को लेकर इतनी बड़ी पहाड़ी चढ़ना तो बहुत मुश्किल है, हम पहाड़ी तो चढ़ नहीं पाते, तो इसलिए मैंने वहीं पर बाहर ही उनको फेंक दिया। कहते पत्थर फेंकने से मैं बहुत हल्का हो गया, और हल्के होने से मैं जल्दी से आपके पास आ गया। अब हमें अबे कोई विघ्न नहीं आएगा, अब कोई बाधा नहीं आएगी। तो बोले कि जैसे तुमने पत्थर फेंका तो तुम हल्के हो गए बाहर से, बाहर से तो तुम हल्के हो गए लेकिन अंदर से तो भारी हो, अंदर से तो चाहे है कि हमें सिद्धि हो जाए। तो कहते पहले तुम बाहर से जितने हल्के हुए हो उतने ही हल्के तुम अंदर से हो। कहते जो अंदर में तुम्हारे काम क्रोध मान माया लोभ जो कषाय चित्त में बैठी हुई हैं, जो भारीपन कर रही हैं, उससे तुम हल्के हो जाओ तब तुम्हारा ना किंचना इति अकिंचना, किंचित मात्र भी तुम्हारे पास, फिर तुम्हें ये जबरदस्ती नहीं छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारा छूट जाएगा। जैसे तुम ऊपर आए तो पत्थर तुम्हें भारी लग रहे थे तो तुम मुश्किल हो गया था तुम्हें चढ़ना, ऐसे ही कहते हैं जब तक तुम्हारे ऊपर भार रहेगा परिग्रह का, काम क्रोध मान माया लोभ का ये भार रहेगा, तब तक तुम ऊर्ध्वारोहण नहीं कर सकते हो। तुम्हें अगर ऊर्ध्वारोहण करना है तो तुम्हें हल्का होना पड़ेगा। महाराज सब कुछ तो छोड़ दिया, त्याग धर्म में कुछ भी तो नहीं रहा। तो कहते भैया तुमने सब तो छोड़ दिया लेकिन छोड़ने का अहंकार तो कर लिया, उस ममत्व को भी त्याग करो। जब तक वो ममत्व त्याग नहीं होगा तब तक तुम्हारे में अकिंचन धर्म नहीं आएगा। ये ममत्व कहते हमने ये छोड़ा, हमने वो छोड़ा, हमने वो छोड़ा, कहते अभी तुमने कुछ नहीं छोड़ा, सब पकड़े हुए हो, कुछ नहीं छोड़ा। कहते ये ममत्व छोड़ो, कहते अकिंचना अकिंचना, किंचित मात्र भी मारा नहीं है, क्योंकि ये मेरा है और मैंने इसको छोड़ा है। ये ममत्व ही तो तुम्हें बंद का कारण है। बद्धते मुच्यते जीवा सममो निर्मनाक्रमा तस्मा सर्वपत्ने ने संबंधा की दशस्तदा। कहते हैं बद्धते, कहते हैं ममत्व से जीव बंधता है, जितना जितना ममत्व होगा उतना उतना तुम्हारा बहिर्मुखी दृष्टि होगी, और बहिर्मुखी वह दृष्टि होगी तो तुम्हें उतना ही दुख होगा, और जितना दुख होगा जितने अंशों में दुख होगा। कहते जैसे बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं, ये मर गया वो मर गया वो मर गया, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब अपना मरता है या अपना बच्चा बीमार हो जाता है तो पीड़ित हो जाते, घड़बड़ा जाते हैं। तो कहते बात ऐसी है कि एक सेठ जी थे और उनका एक इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था। अब वो 4 साल में गुम गया, 4 साल का था गुम गया, बहुत ढूंढा नहीं मिला। अब वो उसे माता पिता नहीं मिले और माता पिता को बेटा नहीं मिला, बेचारा भीख मांग मांग के अपना पेट पालता रहा। अब इनको 10 साल बाद इनने सोचा कि चलो अब कोई तो है नहीं, एक नौकर की जरूरत है तो नौकर रख ले। तो वो 15 साल में वो टकरा गया, बोला कि बेटा तुम कहाँ के हो। बोले हम यहीं के, हमें पता नहीं कहाँ के हैं हम तो यहाँ रहते हैं, भीख मांग का अपना पेट भरते। बोले हमारे यहाँ नौकरी करोगे, हमने कहा बिल्कुल वो नौकरी करेंगे। तो कहते तुम हमारे यहाँ नौकरी करोगे तो कितना लोगे। बोले जो तुम्हें देना होगा सो दे देना।
खाने के लिए दे देना, अब वो दिन रात उससे दिन रात उससे काम ले। एक दिन वो बीमार पड़ गया, सेठानी ने आवाज दी। अब सेठानी ने आवाज दी तो उसे गुस्सा आया, उसने ना जवाब नहीं दिया, तो उसने जाकर उसके पास उसका हाथ पकड़ के खींचा। तो जैसे ही खींचा तो उसमें गुदा हुआ था, जो नाम गुदा था उसके हाथ में, तो उसने कहा कि अरे यही तो हमारे बेटे का नाम था, और मैंने अपने बेटे को इस हाथ में ही लिखवाया था। उसने देखा, बड़ी गौर से देखा, अब उसने गौर से देखा तो उसे अपने बेटा की छवि दिखाई दी उस नौकर में। अब जब जैसे ही उसने नौकर में छवि दिखाई दी तो उसने सेठ जी को आवाज दी, इसको तो बीमार है, इसको दवाई करवा दो। और दवाई करवाते ही भाई जैसे ही होश में आया तो उसने पूछा, बेटा तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ से हो तुम? तो बोले, हमारे माता पिता का मुझे पता नहीं, हम छोटे थे तब हम गुम गए थे। तो कहते जब तक उसे पता नहीं था कि ये हमारा बेटा है, तब तक तो नौकर का व्यवहार था, और जब ही पता चला अरे ये तो हमारा बेटा है, तो उसे छाती से लगा लिया। तो कहते व्यवहार भी बदल गया और वाणी भी बदल गई, और जो बचा खुचा मिलता था अब उसे हलवा पूरी मिलने लगी। तो कहने का मतलब ये, जब तक तुम्हें ममत्व है तब तक कहते राग है, तब तक तुम्हें बंद है। जब निर्ववत्तता हो जाती है कि ये मेरा नहीं, ना मैं इसका हूँ, ना ये मेरा था। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।